भद्रावती येथील आयुध निर्माणीमधील उत्पादनाच्या भरोशावर अनेक युद्ध जिंकली. त्यात आयुध निर्मितीचे निगमीकरण करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असून सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात देशातील 41 आयुध निर्माणीमधील जवळपास 1,00,000 कर्मचारी 20 ऑगस्ट पासून 1 महिना बेमुदत संपावर जाणार असल्याची माहिती मजदूर युनियन ओएफ चांदाचे शीतल वालदे महासचिव सुनील चौधरी यांनी खासदार बाळूभाऊ धानोरकर यांच्या भद्रावती येथील कार्यालयात एका आयोजित बैठकीत दिली. आयुध निर्माणाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 1 महिन्याचा संप होत आहे. देशातील मान्यताप्राप्त 11 ट्रेड संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध आवाज उठवला असून आयुध निर्माणी वाचवा जनजीवन सुरक्षित करा असा नारा दिला आहे. 1 ऑगस्टला संपाबाबत प्रशासनाला नोटीस देणार असून 20 ऑगस्टला प्रथम चरणात संप करण्यात येणार आहे. 1 महिनाभर कर्मचारी आयुध निर्माणीपासून दूर राहून प्रशासनाला आपला विरोध दर्शवणार आहेत. या संपाला अनुसरून प्रत्येक आयुध निर्माणीमध्ये प्रवेशद्वाराच्या जवळ विरोध प्रदर्शन सुरू झाले आहे. आयुध निर्माणी निजीकरणामुळे देशातील सुरक्षेसाठी धोका निर्माण होऊ शकतो. आयुध निर्माणीच्या ताब्यात असलेली 1,00,000 हेक्टर जमीन देशातील उद्योगपतींना कवडीमोल भावाने दिल्या जाऊ शकते अशी भीती या प्रसंगी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. अशा निजीकरणामुळे 1,00,000 कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होईल तसेच आयुध निर्माणी असलेल्या शहराच्या बाजारपेठेवर वाईट परिणाम लवकरच दिसून येतील. त्यामुळे सरकारी निगमीकरण करण्यात येऊ नये. निगमीकरण न करता त्यामध्ये सुधारणा करण्यात यावी व या सुधारण्यासाठी कर्मचारी सरकारसोबत नियमित असेल असे येथील पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. निगमीकरणाविरोधात रक्षामंत्री यांना निवेदन दिले असूनही सरकार निजीकरणाच्या बाजूने आहे. याचा विरोध म्हणून सदर संपाबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत. महावाईसाठी सुनील बिबटे भद्रावती. हम चाहते हैं कि ये भारत सरकार की रक्षा स्वामित्व वाली संस्थाएं बनी रहें. हम भारत सरकार की सेवा के लिए और देश की सेवा के लिए रक्षा सैनिकों के लिए स्टेट और जितनी भी राज्य सरकार है उनके पुलिस के लिए भी जितनी भी सुरक्षा वाली संस्थाएं हैं या पुलिस विभाग हो या सीआरपीएफ हो नेवी हो आर्मी हो सभी को हम यहाँ से गोला बारूद सप्लाई करते हैं. उनके दूसरे भी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं. उनके साजो सामान सप्लाई करते हैं. ऑर्डनेंस शक्तियों का निगमीकरण हो जाने के बाद ऑर्डनेंस शक्तियों के भविष्य में बहुत खतरा रहेगा. यहाँ के कर्मचारियों पर बहुत खतरा रहेगा. भद्रावतियों के निवासियों के व्यापारियों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है. सभी तरह के विकास रुक जाएंगे. सभी तरह के काम रुक जाएंगे. इसलिए ऑर्डनेंस शक्ति चांदा मजदूर यूनियन चांदा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के साथ में सभी फेडरेशन INDWF BPMS सिड्रा और पूरे द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर मैनेजमेंट और एक साधारण कर्मचारी से लेकर सब तक उच्च कर्मचारी तक सभी कॉर्पोरेशन का विरोध कर रहे हैं. हम भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं आग्रह करते हैं कि ऑर्डनेंस शक्तियों का निगमीकरण नहीं किया जाए. ऑर्डनेंस शक्तियों का कॉर्पोरेशन नहीं किया जाए. ऑर्डनेंस शक्तियों का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए. हम सभी तरह से नवीनीकरण कॉर्पोरेटाइजेशन के विरोध में नवीनीकरण जितना भी आप इसमें उत्थान कर सकते हैं इसके डेवलपमेंट के लिए जो भी काम कर सकते हैं वो सभी का स्वागत है. लेकिन ऑर्डनेंस शक्तियों के निगमीकरण नहीं चाहते हैं. हम इसका प्राइवेटाइजेशन का फुल विरोध करते हैं. हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार इसका प्रोटेक्शन के फाइल को वापस ले और भारत सरकार की स्वामित्व वाली रक्षा संस्थाएं बिल्कुल भारत सरकार के स्वामित्व के अंदर में रहें और हम सरकारी कर्मचारी की तरह काम करते रहें. इतना कहते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पर आए. और एक बात और आपको बहुत जरूरी सूचना देना चाहते हैं. ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन INDWF BPMS और सिड्रा की तरफ से इस कॉर्पोरेटाइजेशन के विरोध में हम 20/8/2019 से लेकर 19/9/2019 एक माह के लिए स्ट्राइक पर जा रहे हैं. और यह एक माह के स्ट्राइक का तात्पर्य यह होगा कि भारत देश में बनने वाले रक्षा सैनिकों के लिए बनने वाले गोला बारूद का उत्पादन बिल्कुल ठप हो जाएगा जो कि देश हित में नहीं होगा. हम भारत देश के नागरिक होने के नाते हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अपने सैनिकों के लिए गोला बारूद की कोई कमी पड़े. हम अपने दुश्मन देशों के लिए बिल्कुल तत्परता से तैयारी से बिल्कुल साथ में खड़े हैं. इसलिए अभी ये हड़ताल में 20 दिन का समय है. हम निवेदन करते हैं कि सरकार इस कॉर्पोरेशन की फाइल को वापस करें और भारत सरकार इस रक्षा स्वामित्व वाले संस्थाओं को बिल्कुल वैसे के वैसे 200 पुराना इतिहास से लगातार स्थापित रखें. इतना कहते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं.